हेलो फ्रेंड्स, सर्दी आते ही सबको परांठे बहुत पसंद आते हैं और मूली के परांठे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आधा किलो मूली लेंगे, छील लेंगे, पील कर लेंगे और ग्रेट कर लेंगे। 3 कप गेहूं का आटा लेंगे। ग्रेट हुई मूली को कपड़े में बांध के इसका पानी निकाल लेंगे अलग से। कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, जीरा, अजवाइन लेंगे। 1 कप बेसन और 1/2 कप फ्रेश मलाई लेंगे। अब इसको आटे में हम सारे मसाले डाल लेंगे, ग्रेट की मूली डाल लेंगे। मूली का पानी जो अलग से इसलिए निकालते हैं, जो हम फ्रेश मूली करते हैं ना वो अलग अलग रहेगी, लिचपिच जो होता है ना, बिना पानी निकाले जो मूली है वो चिपकी चिपचिपे आटे बनता है। अब वही आटा हम इस आटे में मूली का डाल लेंगे, थोड़ा पानी और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और बहुत बढ़िया सा आटा गूंद लेंगे। इसको एक एक देखिए दाना अलग अलग है मूली का, और 10 मिनट गूंदने के बाद इस पे घी और तेल लगा देंगे और 10 मिनट के लिए आटे को हम रख देंगे। फिर लोई लेंगे, बेल लेंगे परांठे को अच्छे से, गरम तवे पे परांठा डालेंगे और आँच थोड़ी धीमी रखेंगे। पलट के इसको हम घी या तेल लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी परांठे को पलट के घी और तेल लगा लेंगे। आँच को धीमी रखने से परांठा हमारा अंदर तक सिक जाएगा और एकदम खस्ता बनेगा, जो बहुत ही अच्छा और टेस्टी रहेगा। इसको दूसरी साइड भी और अच्छे से घी तेल लगा लेंगे। एकदम खस्ता नरम परांठा तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सहयोग की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।